पॉलिटिक्स मुझे बहुत पसंद है और आपको एक चीज बता दूं, पहले ना तो मैं मोदी भक्त हूँ ठीक है, और ना मैं कांग्रेस का चमचा हूँ, और ना मैं आम आदमी का एजेंट हूँ, मैं और मेरे पापा LIC के एजेंट हैं। तो यहाँ ज्यादा ऑफेंड होने की जरूरत नहीं। अब मोदी जी का एक दिक्कत हो रहा है, मैंने एक दिन फेसबुक पे लिखा मोदी जी, तो नीचे कमेंट आ गया ओ चूतिया है। मैंने कहा भाई अभी टाइप करा, पोस्ट थोड़ा ना करा है, मतलब मोदी जी को कुछ नहीं, मोदी जी को कुछ नहीं। अच्छा इनसे पूछ लो बीजेपी से कि भाई आप 4 साल, आपकी 5 साल पूरे होने वाले, आप हिसाब दो। तो मोदी जी को बुरा लगता है, उनके भक्त ऑफेंड हो जाते हैं, गला पकड़ लेते तुम्हें, अबे तुमने चूतिया 70 साल से कांग्रेस से हिसाब मांगा क्या है, कांग्रेस से पूछा क्या। तो मैं उन्हें भक्तों को बता देना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस रूल कर रही थी उस वक्त मैं बच्चा था यार, मुझे नहीं थी पॉलिटिकल समझ, मैं नहीं पूछ पाया। भाई मैं नहीं पूछ पाया, नहीं थी मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट इतना नहीं था, लेकिन मेरे दादा परदादा समझदार थे, उन्होंने पूछा कांग्रेस से, लो भाई 70 सालों का हिसाब दो। उनमें भी कोई होगा जुमलेबाज उस टाइम, उन्होंने मेरे दादाजी का कॉलर पकड़ के कहा भाई सन बढ़ो, जाके 200 सालों से पहले अंग्रेजों का हिसाब लो, 200 सालों का हिसाब अंग्रेजों से लो, हमसे क्या ले रहे हो। तो मेरे दादाजी 5 बीघे जमीन बेचकर उस टाइम लंदन गए। हमारे पे यही है और जमीन के अलावा हमारे पे कुछ नहीं भाई, हमें तो फौज में मिलेंगे, खेतों में मौज में मिलेंगे, और कोई तीसरी चीज नहीं मालूम। तो मेरे दादाजी जमीन बेच के गए लंदन। लंडन से मुझे वो भाई का वो याद आ गया था ना, तो वो लंडन गए, तो जाके वो उस टाइम मिले अंग्रेज से, बोले यार 200 सालों का हिसाब दो। तो उन्होंने कहा एक काम करो, ये टिकट पकड़ो अफगानिस्तान के, अफगान वहां जाओ और मुगलों 700 सालों का हिसाब दो। तो ये क्या है, पॉलिटिक्स पार्टी क्या है, एक दूसरे पे ब्लेम डालती रहती है, गेंद उसके पाले में, उसके पाले में, उससे पूछो उससे पूछो। अब जब 5-10 साल बाद कांग्रेस की सरकार फिर से वापस आएगी और मैं कांग्रेस से पूछूंगा, भी कहेंगे मैं चूतिया तूने मोदी जी से पूछा था क्या, तो मैं इसलिए मोदी जी से। अभी दीपिका रणवीर की शादी हुई थी में, फिर विराट अनुष्का ने भी वहीं करी, तो मोदी जी उनकी शादी में नहीं गए लेकिन प्रियंका की शादी में गए, क्योंकि इटली और इटली वालों से उन्हें दिक्कत है, इटली की चीजें उन्हें नहीं हजम होती। तो जैसे ही प्रियंका चोपड़ा की शादी में गए तो वहां निक ने उन्हें पहचान लिया, ओ माय गॉड ये तो वही आदमी जो 18 घंटे काम करते हैं, जो विकास की बातें करते हैं, ताबड़तोड़ विदेश यात्रा करते हैं। प्रियंका इंप्रेस हो गई, ओ माय गॉड डार्लिंग तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो। बोलो कुछ नहीं मैं इंटेलिजेंट नहीं, बोलो तुम जानते हो ना, बोलो नहीं ये मुझे अमेरिका के एयरपोर्ट पे मिले थे, ये बातें इन्होंने बताई थी मुझे। उसके बाद फिर मैंने कट्टर हिंदू का एक पेज था और नमो नमो उन पेजों पे पढ़ी, तो मुझे कंफर्म हो गया हाँ भाई ये करता होगा। और जैसे बीजेपी इनको करती है ना आगे बढ़ाती है मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, मुझे तो डर है संबित पात्रा किसी दिन सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन न लगा दे कि इनको ओवर टाइम शुरू करो। अभी एक स्टेटमेंट दिया योगी आदित्यनाथ ने कि हनुमान जी दलित थे, बोला था ना कि हनुमान जी दलित थे, फिर एक मुस्लिम नेता ने बोल दिया नहीं नहीं वो दलित नहीं वो मुसलमान थे, जैसे सलमान सुलेमान ऐसे हनुमान। लेकिन मैं योगी जी की इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, हनुमान जी दलित हो सकते हैं हमारे उस टाइम पे। अब सोचो जिस युग में प्रभु श्री राम नहीं उड़ पा रहे और एक बंदर उड़ा फिर रहा, तो भाई साहब आरक्षण वाला ही कर सकता है। अब सोचो उसने दूसरे की सोने की लंका जला दी, सूरज निकल लिया, तो आरक्षण वाला ही कर सकता, कोई जर्नल वाला कर देता जेल में पड़ा होता। लेकिन मैं फिर सोचता हूँ कि यार जिस हिसाब की हनुमान जी की बॉडी थी ना, तो जाट या राजपूत ही रहे होंगे।